गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग का, एप्पल ड्राइंग। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आज हम एक एप्पल बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक वाइट पेपर लिया है, ड्राइंग शीट, और उसमें हम देखेंगे कि आज कैसे हम इजी तरीके से एप्पल ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक बैंगल ले ली है सर्कल के लिए, इसको रखना है और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम लोग। सर्कल ड्रॉ करने के बाद ऊपर जहाँ पे जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें थोड़ा सा कर्व दिया, और ठीक इसके नीचे भी मैं थोड़ा सा ऊपर कर्व दे रही हूँ, लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब साइड से, क्योंकि नीचे से एप्पल थोड़ा पतला होता है, हम गोलाई से थोड़ा अंदर की तरफ लाइन को चलाएंगे। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उनको हम इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद हमारी एप्पल की शेप आ जाएगी। ये देखिए, हमने इरेज कर दी लाइंस और अब हमारी एप्पल की शेप आ जाएगी। अब इसके बाद हम लाइंस को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। बच्चों, आप लोगों को लाइट पेंसिल चलाना है, डार्क नहीं, क्योंकि इरेज करने में फिर अच्छे से इरेज नहीं हो पाता और मार्क्स पड़ जाते हैं। इसके ऊपर देखिए, मैंने एक लीफ बना दी है और ये हमारी ड्राइंग तैयार है। अब हम कलर करते हैं। कलर में सबसे पहले येलो कलर किया है मैंने, क्योंकि डायरेक्ट रेड करने से वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा एप्पल वाला। तो हम सबसे पहले पूरे एप्पल में येलो कलर करेंगे, उसके बाद फिर हम रेड कलर यूज़ करेंगे। और स्लोली स्लोली आपको कलर करना है, बाहर नहीं निकालना है। धीरे धीरे आप अपने एप्पल को कलर करके फिल कर दीजिए। एप्पल में कलर फिल करने के बाद पहले लाइट लाइट फिल करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा एरिया को डार्क करेंगे। और बहुत आराम से आपको कलर करना है, कोई जल्दी नहीं है, बस बाहर नहीं निकलना चाहिए कलर आपका। क्रेयॉन, ऑयल पेस्टल, स्केच पेन, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, साइड से मैं डार्क कर रही हूँ, ऐसे ही साइड से थोड़ा थोड़ा डार्क कर देंगे। बच्चों ड्रॉ करेंगे और मुझे फोटो भेजेंगे। थैंक यू बच्चों।